क्लास संस्कृत का तीसरा पाठ अपना डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत। अब हम इसका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। ये डिजिटल इंडिया का ही वो है, जैसे हम ऑनलाइन क्लासें अब पढ़ रहे हैं, ये भी इसी में है। अब हम पाठ को पढ़ लेते हैं। अद संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा सूर्यते। अद आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। इति प्लस अस्से यण संधि हो गई इसमें। अस्से पदस्से कहे भावे इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्से पदस्से इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। अब हम इसका हिंदी अर्थ कर लेते। इस पद में अर्थात डिजिटल इंडिया का क्या भाव है, इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन में क्या है, तृतीया विभक्ति एक वचन। सह मानवस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन। आवश्यकता अपि परिवर्तते, समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसित। प्राचीन काल में विद्या का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या चय श्रुति परंपरा ग्रहते। इसमें विद्या श्रुति परंपरा के माध्यम से ग्रहण की जाती थी, अर्थात सुनकर विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम ताल पत्रोपरि भोजनों पत्रोपरि च लेखन कार्यम आरंभते। आरंभ कुछ समय पश्चात ताल पत्रों और भोज पत्रों पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। समय के बदलने पर कागज और लेखनी करदस से कागज और लेखनी यानी पेन या पेंसिल का आविष्कार। सर्वेषां मनोगतां भावनानां कर्दोपि लेखनं प्रारम्भते। प्रारंभ प्रे प्लस आ, इसमें दो उपसर्ग है। समय के बदलने पर कागज और लेखनी पेन अथवा पेंसिल के आविष्कार से सभी के मन में आए भावों विचारों पर कागज का लिखना आरंभ हो गया। अब हम दूसरी कड़ी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती है बहु कालय सुरक्षिता अतिष्ठते। टंकण यंत्र से यानी टाइप राइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप करने पर बहु काला से बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधेय है प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा और भी आगे चली गई। अद सुराणी कार्याणि संकलन नाम के नियंत्रण साधितानी भवंती। अब यह सर्वाणी कार्याणी इसमें नपुंसकलिंग में आ रहा है, बहुवचन आ रहा है। नाम के नियंत्रण में तृतीय व्यक्ति एक वचन हो रही है। भवंती में भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो रहा है। हिंदी अर्थ कर लेते हैं।
आज समस्त कार्य कंप्यूटर कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं। अतः सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। कर्दोग्यो यानी कि कागज का उद्योग, कागज बनाने वाला। वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा करयन्ते इसमें, कागज बनाने के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वे वृक्ष काटे जाते हैं। परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने नयन्ता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु कंप्यूटर से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों का काटना कम हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यन्ति। इसे कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। ओके स्टूडेंट, आगे काम कल पढ़ेंगे।